हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एएमयू की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है और जो कॉमन से क्वेरी स्टूडेंट्स का है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एएमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज एएमयू एग्जाम कंट्रोलर गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे और उसके वेबसाइट पर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पता ही है कि सीयूटी का द्वारा काउंसलिंग हुआ है, तो वही है कि अगर आप काउंसलिंग किए हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा एडमिशन का, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है कि आप काउंसलिंग के शेड्यूल के हिसाब से आप काउंसलिंग आई थिंक किए भी होंगे। जैसे अगर इसमें बात करें तो कल तक लास्ट डेट था काउंसलिंग करने का, और काउंसलिंग कैसे करना उसमें मैंने वीडियोज़ बनाया है। अब आगे आपको ये करना है कि आपको देखते रहना है, चेक करना है हर एक दिन पे लॉगिन पोर्टल पे जाकर कि हाँ आपका काउंसलिंग में वेरीफाइड हुआ है या नहीं। अब वेरीफाइड कब होगा, लाइक आज से स्टार्ट हो गया है, आज और कल तक समझिए, बल्कि अगले 3 दिन तक वेरीफिकेशन का सीन चलेगा। उसके बाद 9 दिसंबर को लिस्ट तैयार किया जाएगा, और 9 दिसंबर को ही हो सकता है इवनिंग तक, या 10 दिसंबर को फर्स्ट मतलब मॉर्निंग में हो सकता है पब्लिश कर दीजिए। उसके बाद 11 दिसंबर तक आपको पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा, आप पेमेंट कर पाएंगे। तो सीयूटी वाले स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग करा है, वो अलर्ट हो जाए, रेडी हो जाए। दूसरा है कि सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी काउंसलिंग करा था और उनका भी सेम सीन है। जैसे अगर देखा जाए तो ये रहा इनका काउंसलिंग का शेड्यूल सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स का। अब ये है कि इनको पता कहाँ चलेगा, एक तो ये कि आप बार बार अपने काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन करेंगे, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा। इनका तो 2 दिसंबर तक था ही, और उसके अलावा वेरीफिकेशन इनका आज तक अभी वेरीफिकेशन का सीन चलेगा, यानी कि कल तक हो सकता है आपके फर्स्ट लिस्ट आ जाए, यानी कि इनका पहला लिस्ट आए सेल्फ फाइनेंस वालों का। अब पता कहाँ चलेगा तो उसमें आपको इंस्टॉल बता दूँ, डिस्प्ले ऑफ फॉर्मलिस्ट का नाम से एक आइकन है, आपको इस पर विजिट कर लिया करना है। पहले यहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं, वरना अपने काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे तो आपको मेक अप पेमेंट का आइकन आ जाएगा। मेक अप पेमेंट का आइकन आ गया, इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। हालांकि ऐसे भी सेलेक्ट थे, लेकिन मेक अप पेमेंट का आने का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, आप एडमिशन लीजिए जाकर। ये है मतलब एएमयू में एडमिशन लेने का प्रोसीजर। देख सकते हैं सीयूटी के थ्रू जो था फॉर्मलिस्ट 1, अब फॉर्मलिस्ट 2 आएगा, जो कि उन्होंने डेट बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस वाला कैंडिडेट है, इनका भी वही हाल है, इनका काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब फॉर्मलिस्ट 1 आएगा, कब आएगा याद रखे, काउंसलिंग शेड्यूल में जो डेट शीट बताएगा उस हिसाब से। अब हम कुछ और बातें बताते हैं, जो सीयूटी वाले कैंडिडेट है उनको बिना वेट किए मेरे ख्याल से जो हिसाब से इन्होंने नोटिस बार बार निकाल रहे हैं, आपको एएमयू जाना पड़ेगा फिजिकल वेरीफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट करा दिए हैं। तो एक बार आप विजिट करिए जाकर वहाँ पे। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो और किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो बन जाएंगे। एंड आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं एमयू को लेकर, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो भी अपडेट्स आता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाता है, तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।